नमस्ते किसान साथियों, मैं गणित किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ बुल्ढाना संग्रामपुर काकनपाड़ा गांव में। और यहाँ पर पिछले साल किसान मित्रों ने विश्वासपूर्वक और भरोसा जताकर CKG9 प्लांटेशन किया हुआ है, जो कि लगभग लगभग हर किसान के खेत में जो केले की क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी पूरा A to Z फर्टिगेशन शेड्यूल तथा साल भर में, आज मेरा शायद चौथा यहाँ पे शिवार फेरी है, प्लॉट विजिट है। और आज के डेट में शायद आप अगर किसान कार्यशाला यूट्यूब पर जाकर आज के 2 महीना पहले अगर आप यहाँ का वीडियो देखोगे, जब फ्लावरिंग नहीं हुआ था और अभी फ्लावरिंग होकर कटिंग की शुरुआत होगी, एक 8 से 10 दिनों में यहाँ पर कटिंग की शुरुआत होगी। और ये CKG9 का प्लांटेशन किया गया है और हर बंच में क्वालिटी करकल आप दे सकते हो। ये लास्ट से लेकर नीचे की ओर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ये लुंगर ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे बंच मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन बंच एक जैसे हैं और एक समान है, क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। एक्चुअल ये मैं हर बार बोलता हूँ कि CKG9 है, इसलिए ये है, ये कतई नहीं मैं बोलूँगा, ये मेरे किसान के मेहनत का ये फल है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी ये केला भरण पोषण नहीं हुआ है, लेकिन जब ये भरण पोषण होकर बाहर जब निकलेगा तो इसका वेट और क्वालिटी ये आप खुद देखोगे। किसान से मैं मिलवा देता हूँ आपको और किसान से बात करवा देता हूँ, शायद आप लोग इनको पहचानते हो। राम राम। राम राम। आपका परिचय दीजिए, हम लोग कहाँ पर हैं और ये कब का प्लांटेशन है और कौन सा पौधा लगाया है? मैं काकनवाड़ा श्री कृष्ण रामराड़ा, ये 10 जून का लगा हुआ है CKG9 है, और क्वालिटी एकदम बढ़िया है, आज भी 22 की आ रही है। अभी शुरुआती चरण के जो पौधे कट के गए हुए हैं तो उसमें 22 की रास आपको मिली है, लेकिन बंच की साइज और लेंथ देखते हुए मुझे 25 के प्लस ये समझ में आ रहा है। ये पहले वाले काले में की 22 की बहुत हो गई मेरे ख्याल है ना। हाँ, अभी तो आएंगी 25 की। अभी बेटर देन जैसे भैया आप लोगों ने पिछले साल जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि पिछले साल में फर्स्ट मीटिंग था और CK का नाम आपके लिए नया था, लेकिन आपने फिर भी विश्वास रखते हुए, क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से साथ में हैं, विश्वास जताकर जो पौधा प्लांटेशन किया, तो आज शायद मैं चौथी बार आपके प्लॉट में आया हूँ। पूरे साल भर का मैं रेशो बगाऊ टेंटेटिवली चौथी बार, तो चारों भी बार में मैंने जितना भी आपको थोड़ा बहुत जो पुशअप फर्टिगेशन शेड्यूल बताया या जो चीजें बताई, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों में जितना भी चीजें मैंने बताई, तो क्या उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। दूसरा, मेरी तरफ से ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट नहीं किया गया है जो कि आपको मैंने जबरदस्ती या कुछ करके आपके हाथ में दिया है, जो भी मार्केट में है वो दिया हुआ है। लगाते समय शुरुआती चरण में केला गुरु कीट का प्रयोग आपने जो किया, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर थी, एक एकड़ के लिए 1200 रुपए का खर्चा मात्र, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे मिला आपको? रिजल्ट एकदम अच्छा। हर प्लांट जर्मिनेशन में फास्ट हुआ। अगर जर्मिनेशन में फास्ट होगा तो लगभग लगभग कितने दिनों में यहाँ पे फ्लावरिंग निकल के आ गई, ये आप खुद बताओ। ये मतलब पहला फल जो निकला वो से लास्ट वाले फल तक क्या 1 महीना लगा या 1.5 महीना लगा? 1 महीना। 1 महीने में पूरा 6000 फ्लावर निकल के आ गया, मतलब कि 1 महीने में अगर फ्लावर निकल के आ गया है तो ये 1 महीने में ही कटिंग होके चला जाएगा। और आप लोग अभी ऐसे पायदान पे हो, जैसे मैं अभी जस्ट लाइक पिछले 15 दिनों से मार्केट में घूम रहा हूँ, अभी 6-7 दिन पहले मैं था कर्नाटका,
उसके पहले था नांदेड़, और उसके बीच में था हैदराबाद, और उसके बाद में आया अपना करमाड़ा सोलापुर। केले की सिचुएशन इतनी गड़बड़ हुई है, मैं जब हैदराबाद में था एक साधारण, और आज की डेट क्या है, 30 तारीख है ना, मैं 25 तारीख को वहां पर था। उस दिन 24 तारीख को सावदा रावेर में आपने देखा होगा न्यूज पर कि लगभग लगभग कई हेक्टर के प्लॉट जो है वो जमीन दोस्त हो गए। भगवान अपने साथ ये ना करे, अगर हमारा किले यहाँ पर, अगर हमारे पास प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से आज के 15 या 20 दिन बाद, जो कि ये फल कटने वाला है, ये समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय केले में अच्छा रेट हमें मिल सकता है, क्योंकि क्वालिटी तो आपने बनाकर रखी हुई है। और मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि ये CKG9 लगा हुआ है इसलिए ये पौधा ऐसा है, नहीं, किसानों ने पूरे साल भर मेरा सुना है, समझा है, उसके बाद में एप्लीकेशन किया हुआ है, तो ये फल की क्वालिटी है। अगर कोई किसान मेरे से, जिसने 1 लाख पौधे लगाए हुए और 3,000 किसी ने दूसरी जगह पे पौधा लगाया हुआ है, और शायद उस तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, या फिर उसको गाइडलाइन नहीं मिली हुई है, तो हो सकता है कि वो अनइवन हो गया। ये सारी कमाल और ये सारी धमाल किसान जब भी मैं आता हूं तो मेरे आने से पहले फोन पर पूछ लेते हैं कि आप कितने समय बाद यहाँ पे आओगे, तो वो वहां पे रेडी पोजिशन में खड़े होते और उसका फायदा ही मिला हुआ है। जैसे पिछली बार मैं आया था तो आप लोगों को जीवाणु का घोल देकर गया था, उससे कीपिंग क्वालिटी बढ़ी। आज के डेट में गर्मी का 9 तापा चल रहा है, ऐसे कंडीशन वाले फल बिना हवा से नीचे गिर रहे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है 45-47 और गर्म लू चल रही है। अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन संभल कर आया हुआ है, लेकिन खड़ा पौधा जिससे लुंगर निकला हुआ है वो सीधा काला होके खत्म हो रहा है। अभी इस सिचुएशन में अभी क्या करना है आप लोगों को, जैसे हम लोग गर्मी के कारण हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, कोई छाछ ले रहा है, कोई दही खा रहा है, अभी इसको क्या दे रहे हो, हम लोग खाली पानी दे रहे हैं, लेकिन इनको भी इस स्ट्रेस से निकलने, इनको भी एसिडिटी होती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी टॉक्सिसिटी बढ़ने के बाद में ये बॉडी हार्मोन्स को चेंज करके ये रुक जाते हैं। तो इस अवस्था में करना क्या चाहिए, हर किसान मित्र जो मेरी ये वीडियो समझ रहा है और या देख रहा है, या कहीं भी भारत में हो, हर जगह पे 9 तापा चल रहा है, तो इस सिचुएशन में करना क्या है, 1,000 पौधों के लिए घर में हर किसी के पास छाछ होगा, ताक मन तो अपन दला, 2 लीटर ताक, 2 किलो गुड़, आणि त्याच्यामध्ये प्रोटीन पावडर मिळते हायड्रोलेट बेसिस वाले, तुमच्याकडे अवेलेबल करून दिलेली होती, तुम्ही वापरली भी आहे, आणि वापरल्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट येईल, तो 1,300 ग्रॅम आणि 100 ग्रॅम मिक्स मायक्रोन्यूटन एचडीएल फॉर्म मधले, हे जर का तुम्ही ड्रीप ऍप्लिकेशन मधून जर का देऊन टाकले, तर काय असते, मी तुम्हाला मायक्रोन्यूटन दिले, आता याच्यामध्ये मायक्रोन्यूटन, झिंक, फेरस, मॅलेब्लॅडिनियम, ज्या काही गोष्टी आहेत, ये जितनी भी सारी चीजें है, ये हम समझ नहीं सकते, या दुकानदार के पास जाओगे तो वो दूसरा ही देगा 0050-13045, वो आवश्यकता है, लेकिन वो देने के बाद में पौधा ले रहा है क्या, हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें पहले पौधे के, प्लांट के जो नीचे की स्ट्रक्चर है, रूट स्ट्रक्चर, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, या पौधे में जो टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, जो गर्मी के कारण पौधा रुका हुआ है, पहले उसको पहले हमें चलाना है। तो ये चीजें अगर आप ड्रिप एप्लीकेशन से देते हो तो पौधे को रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद में फिर फल भरण पोषण के लिए, फिर वो सारे किसानों को पता है, क्योंकि कोई भी नया किसान नहीं है जिसको कि केला भरने के लिए क्या देना चाहिए, तो कोई किसान 13045 डालेगा, कोई 0050 डालेगा, या फिर मेरा फंडे के अनुसार 10 किलो पोटैश में 1 लीटर अगर S2SO4 डालते हो सल्फ्री, तो वो भी 0060 का काम करता है। मेरा कॉम्बिनेशन वाली वीडियो डले हुए हैं, अगर आप देखोगे वो एप्लीकेशन करोगे तो माल कट के चला जाएगा। लेकिन अभी वातावरण और सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से ज्यादा फर्टिलिटी नहीं करनी है, क्योंकि रेट अभी डाउनफॉल है, 7-8 रुपए में कुछ जेब में आता नहीं है, मुझे पता है, जो कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से। 1-2 बारिश जब गिरेगी, जब हम खुद आम खाना बंद करेंगे, तब केले में रेट बढ़ेगा। अगर हमने आज से इसमें 0050-13045 देना शुरू किया हर सप्ताह में, तो केला अर्ली भरण पोषण करेगा,
हमें खाली केले के पौधे के स्ट्रक्चर के पास सॉइल में जो पड़ा हुआ है उसको अपटेकिंग कैसे हो, तो मैंने जो पहले बोला आपको वो चीजें एप्लीकेशन करो, आपका माल खुद ब खुद बनता रहेगा धीरे धीरे। हाँ, जिस दिन हमें लगा कि अभी रेट उछाल हो गया है उस दिन फिर आप 3 दिन में एक बार दो ना, क्योंकि अपने को पता है कि 1 महीने में फ्लावर आ चुका है, अभी इसको कितने दिन में हार्वेस्ट करना है। तो शेड्यूल को जितना टाइट करोगे उतना जल्दी आएगा, शेड्यूल को जितना ढीला करोगे उतना लेट जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति है कि इसको इसके हिसाब से बढ़ने दो। कब तक? 15 दिन तक। हाँ, लग रहा है अगर किसी ने हमें वातावरण का कोई इशारा दिया हुआ है कि हवा आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो उस हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इस लपेटे में मेरे 3,500 पौधे खत्म हो चुके हैं। पता नहीं था, अचानक से हवा आई पूरा फुस, और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो नॉर्मली ये चीजें करनी है। दूसरा, सीके का जितना भी मैंने पिछले साल गुणगान गाया था या आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, और आप लोगों ने खाली आधा घंटा सेशन में इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास जताया था कि शायद लगभग 1 लाख पौधा लगा है अपने गांव में सीके का, और हर किसान के पास पौधा अच्छे से खड़ा है। कुछ किसानों को बीच में समस्याएं आई बारिशों में, वो तो हर पौधे में आती है, लेकिन आप लोगों ने उस समय भी मेरा साथ दिया या मेरा सुना और आप रिपेयर हुए, आज आपके खेतों में बंच अच्छे हैं। ये मेरी मेहनत का फल नहीं है, ये आप सब लोगों के आपके खुद के खेतों में काम करने का ये मेहनत का फल है। नहीं तो कई सारी कंपनियां फल दिखाकर बुकिंगें लेना शुरू कर दी है। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ अगले साल चलिए, नहीं तो मार्केट में कई सारी कंपनियां, मैंने पिछले साल भी बोला था, इस साल भी बोलूंगा, लेकिन कोई कंपनी आपके खेत में 4 बार आकर नहीं जाएगी। मैं आपके पास में हूँ, आप लोगों से दिल से जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे जब भी लगता है मैं आके बैठ जाता हूँ, 2 दिन बढ़िया से रहता हूँ, खाना पीना मिलता है आप लोगों के घरों में, मेरे हिसाब से मैं चला जाता हूँ। ना आपका 1 रुपया मुझे चाहिए, ना मैं किसी से मांगता हूँ। हाँ, जो पौधा लिया हुआ है इसमें मेरा दाल रोटी पेट्रोल पानी डीजल निकल गया है, जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं 500 मांग भी लूंगा कि डीजल के लिए पैसे नहीं, उसमें कतई मुझे कोई समस्या नहीं जाएगी, और आप नहीं दोगे इतना भी मुझे पता है। तीसरा, मैं एक बोलना का प्रयास कर रहा था कि कटिंग के लिए अगर मेरे जैसे अभी गाड़ियां कट रही है सावदा में, और यहाँ की कटिंग और उधर की कटिंग में फर्क है, अपने यहाँ पे कैरेट लोडिंग होता है और उधर मेरी पंजे की गाड़ी है, जैसे गुड़गावा हरियाणा पंजाब के लिए जो भेजता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि +50 पैसा मिलेगा, भले ही मैं कंप्लीटली पूरा नहीं करूं, लेकिन 1-2 बार अगर यहाँ से गाड़ी लोडिंग हुआ तो बाकी जो व्यापारी है उनको लगेगा कि नया लोडर आया हुआ है, तो माल हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो वो 50 पैसा का इधर उधर हो सकता है, और 50 पैसा किसान के लिए 14 टन में मायने रखता है, और 14 टन ही नहीं माल जाएगा, अगर 25 की रास है, 7,000 पौधे है, तो 7 × 14 मतलब 140 से 150 टन माल, मतलब कि आपके पौधों का पेमेंट उसमें निकल के आ जाता है। तो कटिंग के लिए भी शुरुआत करेंगे, कुछ 10-12-15 गाड़ियां जो यहाँ से लोडिंग होकर चली जाए, जो रोड पे प्लॉट है, या फिर यहाँ कटिंग के लिए मैं लेबर टीम भेजूँ या गाड़ियां बुलाऊँ, तो ट्रैक्टर के माध्यम से जो भी हो, एक नया इनोवेशन करने की शुरुआत करो। और मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट से ज़्यादा डोमेस्टिक को रेट आएगा एक 15-20 दिन बाद के बाद, रुकिए। लेकिन हर जगह के रेट अलग है, जलगांव जामोद अलग होता है, बरहानपुर अलग होता है, इधर अंजनगांव सुरजे अलग होता है, उधर रावेर अलग होता है, उधर चोपड़ा अलग होता है, उधर नेरी अलग होता है, तो किसान ये दुविधा में अटकता है। एक्चुअल माल देखने के बाद रेट मिलना चाहिए किसान को, कि मुझे बोर्ड से कहीं लेना देना नहीं है 6.5, लेकिन मुझे ये 7.5 रुपये में माल चल रहा है, आप दे रहे हो क्या? माल देख के होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है, सब उसमें गधे भी उसमें आ रहे हैं, घोड़े भी उसमें आ रहे हैं। अगर 7.5 रुपये का बोर्ड है और मुझे पता है कि मुझे ये माल 9 रुपये में चल रहा है, तो मैंने मेरे पास जो बंदा है उसको बोल के कि भैया 9 रुपये में चल रहा है माल, किसान का काट लो। हाँ, जो कट्टी जो भी लगता है वो तो लगेगा ही, सबको सिमिलर है, लेकिन रेट में 50 पैसा 70 पैसा 1 रुपया अगर बढ़ के मिलता है तो एज इट इज किसान को फायदा होगा। दूसरा कि लोकल
जो व्यापारी है जुड़ने वाले, वो अगर साथ जुड़कर वो भी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसान और हमारा रेट होगा, आपका जितना जो भी कमीशन या जो चीजें बनती है वो मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये, हर व्यक्ति बोल रहा है ना कि मैं उतना ही करता हूँ, तो उतना ही करो। जैसे मैं सावदा में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऊपर वाला व्यापारी है, तो मैंने जैसे बोला कि मेरा काम क्या है कि जो भी 4-5 हजार जो कमीशन देते हैं उतना ही, तो मेरा काम क्या है, पार्टी टू किसान, वरना किसान टू पार्टी नहीं मिलेगा तो फिर उसमें 50 पैसे का और गड़बड़ रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो वो नहीं होना चाहिए, किसान टू पार्टी। आपको माल जमा, आप 10 में मांगो, 6 में है तो 5 में मांगो, मेरे को कहीं लेना देना नहीं। किसान को जमेगा तो वो देगा, नहीं जमेगा तो नहीं देगा, लेकिन किसान टू ऊपर से पार्टी जमना चाहिए, तो फिर मार्केट में उछाल आएगा। उसको भी पता है ना कि मैंने जो ये माल देखा हुआ है, हो सकता है कि सबके प्लॉट में एक जैसा फ्लावर नहीं है, कहीं अप डाउन है, तो वो उस हिसाब से रेट लगाएगा, और किसान उतना समझ सकता है। उसको अगर 9 रुपए में चल रहा है तो वो 9 रुपए में उसने किसान से उसने बात करनी चाहिए कि भैया आप बताओ कितना है। अगर 7 का मार्केट है और किसान बोल रहा है कि मुझे 9 का रेट चाहिए, तो उसमें बार्गेनिंग होते हुए 8.5 भी मिल गया तो फिर क्या लेना देना है, मुश्किल टेंशन ही नहीं है फिर। खाली समस्या कहाँ जाएगी कि बड़ी गाड़ी जो 14 टन की जो गाड़ी भरते है वो पंजा लोडिंग है, तो उसमें से भी मैंने एक विकल्प निकाला है, क्योंकि मेरी कुछ गाड़ियां पन्नियों की जाती है, कैरेट में पन्नी, उसमें पंजे रख के उसकी गांठ मारेंगे, फिर वो वहां पन्नियां बिछा कर ट्रैक्टर छोड़ के चला जाएगा, तो उसमें कैरेट नहीं जाएगा, पन्नियां जाएगी, वो एक काम कर सकते हैं। तो 200 कैरेट गाड़ी में लोडिंग होके वो एक ट्रैक्टर लाएगा, तब तक दूसरा ट्रैक्टर भरेगा, ये ट्रैक्टर खाली होगा तब तक, मतलब वो जल्दी भर जाएगा, 5-6-7 ट्रैक्टरों में खत्म। और अपने जैसे जितने भी प्लॉट है, मेरे हिसाब से भैया का भी प्लॉट है, सबके प्लॉटों में वन शॉट फ्लावरिंग हुआ है, वन शॉट फ्लावरिंग जिसे बोलते हैं कि स्टार्ट टू एंड एक 40 दिन में खत्म। ऐसा अभी तक भी नहीं है कि भाई चल ही रहा है, 30% बचा हुआ है, नहीं, एकदम वन शॉट लगेगा ये। एक बार गाड़ी कट गई ना तो और 8 दिन में, इधर से कट करके जाओगे फिर 8 दिन में उधर से कट करके आना पड़ेगा, कंटिन्यूसली महीना भर में माल खत्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो इतना काम करना है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, खाली इतनी ही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आंखों से देखा हूँ, अभी भी रोना मेरे आंखों में आ रहा है, क्योंकि कल ही मैं उन प्लॉटों में था, मैंने वीडियो बनाया, 20-20 हजार प्लॉट दादा, 80-80 ह्या कंडिशन से असे झोपले ना कि आपली तर छाती धडधड करते, त्या शेतकऱ्याची छाती कुठे, घर येत नाही शेतामध्ये, माल कापायला येत नाही, तुम्हाला जे न्यायचं आहे ते न्या, ते फेकायचं आहे ते फेका। दुसरी गोष्ट झाली काय आहे, हे झाड पडलेत आडे, कुठून चालायचं ते समजत नाही, लेबरला रिक्वेस्ट करून करून काम करावं लागतं।